आने वाले दो तीन साल में हम लोग थर्टी से फोर्टी थाउजेंड नर्सिस शॉर्ट होंगे कनाडा में और वो दिख रहा है हमारे ई आर्स में आठ घंटे की वेट है दस घंटे की वेट है ये नहीं, नहीं कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है वो तो चलाने वाले बंदे नहीं है नहीं। जो सोशल वो है वो तो है है ही फाइनेंशियल रिकोगशन भी है अर्निंग फिफ्टी फाइव सिक्सटी डॉलर एन आवर ऑन योर रेगुलर सैलरी इफ यू आर डूइंग यूंगी डॉलर एन आवर कि uh, यहाँ पर करियर की ऑप्शन बहुत होती हैं देन वाई नर्सिंग आपने नर्सिंग ही बिजनेस या कमर्शियल बिजनेस क्यों चुना आप मुझे बताएंगे हरी प्लीज अर्श इट्स विद इन यू जो फीलिंग ऑफ कंपेशन और केयर है ना uh. ये पैसे से खरीदा नहीं जा सकता दिस इज ऑलवेज इन यू कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई नर्स बनना चाहता है कोई बन नहीं पाया डॉक्टर क्योंकि hmm. उसके मेडिकल में मार्क्स नहीं आए बैक होम वो नर्सिंग में चले जाते हैं hmm. लेकिन द फिलोसफी बिहाइंड पैशन वॉज टू केयर वो जो केयर का पैशन है वो करियर फिर नर्सिंग में बन जाता है वो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता है वो डॉक्टर बन जाता है सो so केयर करना आपका एक पैशन भी मैं कह सकता हूँ कि पैशन रहा होगा टू फील फॉर अदर्स

जो है नर्सिंग का व्हाई सो, लाइक व्हाई नर्सिंग एज अ करियर राइट सो वेरी 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 गुड क्वेश्चन जो सिस्टम क्रैश हो रहा है वो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स की वजह से हो रहा है hmm. वो डॉक्टर्स भी हैं वो नर्सिस भी हैं hmm. वो सब ट्रेन जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी से सी एन ए की रिपोर्ट के हिसाब से आने hmm. वाले दो तीन साल में hmm. हम लोग थर्टी से फोर्टी थाउजेंड नर्सिस शॉर्ट होंगे कैनेडा में hmm. और वो दिख रहा है हमारे ई आर्स में wow. आठ घंटे की वेट है दस घंटे की वेट है yes. ये नहीं कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है वो तो चलाने वाले बंदे नहीं है सिस्टम में काम करने वाले बंदे नहीं है सो दिस इज वेयर द डिमांड इन नर्सिंग कम्स इन और

तो कहां से शुरुआत करनी हो कौन से कोर्सेज करनी हुआ? चाहिए और पूरा प्रोसेस जो है ये कितना टाइम लेने वाला है तो सागर जी आप प्लीज मुझे बताइए राइट right. सो so, अरश अगर किसी को कनाडा में नर्स बनना है जी तो उनकी प्रोसेस असेसमेंट से शुरू होगी ओके एजेंसी कनाडा में है उसको बोलते हैं एन एन ए एस ओके सो एन एन ए एस के साथ अकाउंट बनाना है उनको अपने एजुकेशन क्रेडेंशियलिंग करवानी है अनफॉर्चूनेटली ये 8 से 10 महीने का प्रोसेस है Okay. So okay. in कि अगर जितनी जल्दी शुरू करें uh -huh. उतनी जल्दी हम नर्स बन सकते हैं ओके okay. तो ये तो मतलब एक तरीके की ये लाइसेंस से लाइसे भी पहले अच्छा लाइसेंस प्रोसेस के बाद पता चलेगा कि हम लाइसेंस का एग्जाम लिख सकते हैं या नहीं प्री अप्रूवल प्री अप्रूवल प्री अप्रूवल ओके ऑलराइट राइट का एक मैसेज आया हमें

दैट एप फाइन यू कैन बी फ्रॉम कॉमर्स लेकिन फिर कोर्स में एडमिशन लेने से पहले कनाडा में आपको प्री रिक्वेजिट कोर्स करना पड़ेगा mm -hmm. जिसमें वो आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स करवा देंगे तो विद इन फर्स्ट ईयर आप प्री रिक्वेजिट के कोर्सेज खत्म करेंगे mm -hmm. और फिर सेकेंड ईयर से आपकी एक्चुअल नर्सिंग स्टार्ट हो जाएगी सो so mm -hmm. आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो आप किसी भी उम्र के हो सकते हो wow. आपके अंदर अगर जज्बा है तो mm -hmm. आप नर्स बन सकते हो